देवादिदेव महादेव की। भक्तों, देवादिदेव महादेव जिन्हें भक्त भूतनाथ आदिदेव महादेव चंदाधारी सोमनाथ इत्यादि नामों से पुकारते हैं, जिनकी दान वीरता की चर्चाएं वेद पुराणों में वर्णित हैं, वही सदाशिव कैसे गंगाधारी कहलाए, आइए यह पवित्र गाथा आज मैं आपको इस भजन के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। बोलिए शंकर भगवान की। गाथा शिव शंकर भगवान की, आओ सुनाओ पावन गाथा शिव शंकर भगवान की। माँ गंगा की भागीरथ के पुरखों के कल्याण की, गंगा की भागीरथ के पुरखों के कल्याण की। महाराजा सगर एक महाप्रतापी राजा थे भक्तों, जिनके 60,000 पुत्र थे। अपने साम्राज्य को और प्रबल बनाने हेतु उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाने की सोची और यज्ञ का घोड़ा सारी सृष्टि भ्रमण हेतु छोड़ दिया। यह बात इंद्र के मन को नहीं भाई भक्तों, उसने सोचा यदि यज्ञ सफल हो गया तो उसका इंद्रासन छिन जाएगा। इस हेतु उसने यज्ञ का घोड़ा चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में था यज्ञ का घोड़ा बांध दिया। यज्ञ भंग हो जाए भक्तों, इंद्र ने ऐसा छल था किया। साठ हजार जो पुत्र सगर के आश्रम में थे आ गए। कपिल मुनि थे तप मिलीन, उन्हें भला बुरा वो कहने लगे। कपिल मुनि से युद्ध करन को सेना फिर तैयार की। गंगा की भागीरथ के पुरखों के कल्याण की, आओ सुनाओ पावन गाथा। ज्यों ही सगर के पुत्र कपिल मुनि को क्षति पहुंचाने लगे, ऋषि वर ने क्रोध में अपने नेत्र खोले भक्तों, और उनके नेत्रों से भयंकर अग्नि निकली जिसमें महाराजा सगर के 60,000 पुत्र और समस्त चतुरंगी सेना जलकर भस्म हो गई, और ऋषिवर के श्राप के कारण वे सारे प्रेत योनि में आ गए। जब महाराजा सगर को यह ज्ञात हुआ तो वो दौड़कर मुनिवर के पैरों में गिर गए और अपने पुत्रों की मुक्ति का उपाय पूछने लगे।
कपिल मुनि ने जब ये जाना ये सब इंद्र की चाल है। सगर के पुत्रों की मुक्ति का किया उपाय तत्काल है। स्वर्ग से गंगा को ले आओ जो ही राख छू जाएगी। मुक्तिदायिनी है माँ गंगे इनको मुक्त कराएगी। राजा सगर करते तैयारी गंगा के आह्वान की। गंगा की भागीरथ के पुरखों के कल्याण की। आओ सुनाऊं पावन गाथा। एक एक करके महाराजा सगर की पीढ़ियां माँ गंगा का तप कर करके पंच तत्व में विलीन हो गईं, परंतु माँ गंगा को कोई भी स्वर्ग से ला न सका। अब बारी थी भागीरथ की। उसने सोचा माँ गंगा विष्णु नख से निकलकर ब्रह्म कमंडल में आई है, इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आराधना की जाए। घनघोर तप किया भक्तों, दोनों ने मिलकर भागीरथ को दर्शन दिया, परंतु यह भी कहा कि हम गंगा को धरा पर भेज तो दें, परंतु माँ गंगा का वेग इतना प्रबल है यदि धरा से टकराएगी तो धरा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस सृष्टि में केवल शिव शंकर ऐसे हैं जो गंगा का वेग धारण कर सकते हैं। जाओ भागीरथ, उन्हें प्रसन्न करो। भागीरथ रो रो के पुकारे हे शिव शंकर आ जाओ। माँ गंगा के वेग को धर लो, मुझको आस बंधा जाओ। प्रेत बने हैं मेरे पुरखे दर दर देखो भटक रहे। मुक्ति नहीं मिलती है उनको अधर्म देखो लटक रहे। हे शिव शंकर कृपा करो कुछ पुरखों के सम्मान के। गंगा की भागीरथ के पुरखों के कल्याण की। आओ सुनाऊं पावन गाथा। भागीरथ की करुण पुकार पर माँ गंगा के वेग को अपने शीश पे धारण करने हेतु भोलेनाथ तैयार हो गए। उधर माँ गंगा श्री हरि विष्णु के नख से निकलकर ब्रह्म कमंडल से होती हुई धरा की ओर बढ़ती जा रही हैं, और इधर भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी हैं और माँ गंगा का आह्वान कर रहे हैं। शिव ने अपनी जटाएं माँ गंगा को धारा है। शिव जी के कौतुक को देखे
ये ब्रह्मांड तो सारा है। भागीरथ के पीछे पीछे छोड़ी निर्मल धारा है। भटक रहे थे उसके पुरखे, उनको भव से तारा है। भागीरथ गुण गाता चलता, भोले शिव जी महान की। माँ गंगा की भागीरथ के पुरखों के कल्याण की। आओ सुनाओ पावन गाथा। माँ गंगा की निर्मल धारा भोलेनाथ के केशों से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे धरा पर आ गई। भक्तों, भागीरथ के पुरखों की राख अपने अंदर समाहित कर उन सबको मुक्त कराती हुई ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई गंगा सागर में विलीन हो गई। तब से ही सभी भक्त अपने पापों से मुक्ति हेतु माँ गंगा में स्नान करते हैं और हर हर गंगे जय शिव शंभू कहते हुए पवित्र गोता लगाते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिए शंकर भगवान की, माँ गंगा की। गंगा धारण करके शिव ने गंगाधारी नाम लिया। भागीरथ के पुरखे तारे ऐसा पावन काम किया। सोमवार शिव मंदिर जाके चंदन तिलक लगाए, जो अंत काल में शिव की शरण को भक्त वही तो पाए। वो पूर्ण हुई पावन गाथा भागीरथ के कल्याण की। माँ गंगा की भागीरथ के पुरखों के कल्याण की। आओ सुना